तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो 100 रुपए का पर्स मिल रहा है, वो भी लेदर का, बहुत ही बढ़िया वाला। रहा सामने लाल किला। दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल जस वीडियोस में स्वागत है। तो दोस्तों कल की जो वीडियो थी वो हम क्लियर शरीफ में थे, तो वहाँ से हम रात को निकले, तो इसलिए रात को कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। गुड मॉर्निंग। तो पानीपत पे गए, वहाँ पे भी रात को काफी अंधेरा हो गया था। तो अभी हम सुबह हमारी दिल्ली में हो रही है, तो दिल्ली में है। तो दिल्ली में अभी हम कौन सी इजाजत के ऊपर जा रहे हैं? अभी हम निजामुद्दीन औलिया इजाजत पे जा रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया इजाजत के ऊपर जा रहे हैं, तो जमाल भाई हमारे साथ हैं। तो अभी दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के ऊपर अभी हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए। तो अभी हम जहाँ से अंदर जाएंगे, तो अभी जहाँ से हम फूल वगैरह लेने लगे हैं, तो जमाल भाई ने अपने लिए फूल वगैरह ले लिए हैं, तो अभी मैं भी लूंगा। यहाँ मजार से मजार के लिए चादर वगैरह फूल वगैरह ले लिया हमने। चादर उठाओ बच्चे, जैसीन जैसीन भाई आ रहे हैं। चलो भाई चलो आप आगे। तो अभी हम हजरत अमीर खुसरो की ज़ियारत के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो पहली ज़ियारत है जहाँ पे। तो कुछ इस तरह से है ज़ियारत जहाँ पे काफ़ी सारे उधर आगे गए, ये देखिए। तो जहाँ पे ये है जे वाली इजारत, तो बाद में हम दूसरी इजारत के ऊपर जाएंगे। वो रही सामने, सामने आप देख रहे हैं निजामुद्दीन इजारत। तो अभी जमाल भाई अंदर से आए हैं। वालेकुम सलाम भाई जी, रुक। तो ये है अंदर इजारत। दोस्तों अंदर जाने की हमें इजाज़त नहीं है, साथ में फोटोग्राफी भी इधर अलाउ नहीं है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो हम फिर भी रिक्स लेके वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो ये देखिए जहाँ पे सामने अगरबत्ती वगैरह लगाई जा रही है, तो काफ़ी बढ़िया जा रहा है। ये देखिए हम निजामुद्दीन दरगाह के अंदर घूम रहे हैं, यासीन यासीन भाई दुआ कर रहे हैं। अच्छा मंजर है यहाँ का देखने में। तो अभी आप ये देखें साइड से भी जा रहे, तो दे रहे मजार जहाँ पे। हाँ तो दोस्तों ये वाली इजारत भी हमारी हो चुकी है, अभी हम इस इजारत से निकल रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं दिल्ली में कहाँ पे जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, तो वो हम आपको बता देंगे जहाँ पे। अभी हम जामा मस्जिद जा रहे हैं, तो अभी ऑटो में बैठ गए हैं, तो आगे देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो अभी जामा मस्जिद में जाके आपके साथ। तो दोस्तों अभी हम जामा मस्जिद पहुँच चुके हैं, तो ये हम अभी एक गेट नंबर एक के ऊपर खड़े हैं सारे। 10 बजे खुलेगा ये गेट, तो अभी गेट खुलने का वेट कर रहे हैं। तो ये रहे अपने बंदे सारे जहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद गेट नंबर एक के सामने की मार्केट है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छे से सजाई हुई है ये मार्केट। तो दोस्तों इन्होंने 10 बजे भी नहीं खोला गेट, अभी गेट के ऊपर हम खड़े हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। तो ये अभी 1 बजे बोल रहे हैं, तो शायद नहीं खुलेगा, क्योंकि आज 23 जनवरी है, इस वजह से पूरा दिल्ली बंद है। तो अभी हम जहाँ से निकलने लगे हैं, अगर खुलेगा तो जाएंगे अंदर फिर। हाँ तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सदर बाजार, क्योंकि जामा मस्जिद का गेट है जो कोई 1 बजे बोल रहा है, कोई 2 बजे बोल रहा है खुलने के लिए, तो इतनी देर वहाँ पे क्या करना था। तो साथ में अभी मीना मार्केट भी बंद था, तो अभी हम जा रहे हैं सदर बाजार, तो देख रहे हैं अभी कितना टाइम लगता है। भैया बोल रहे हैं कि खुला होगा वो मीना बाजार भी, खुल जाएगा अभी, तो सदर मार्केट देखते हैं अभी। दोस्तों अभी हम सदर मार्केट में पहुंच चुके हैं, तो जहां पे देखें आप सदर मार्केट, तो ये देखिए जहां पे अलग अलग तरह का कोई बैग कोई कुछ सारा कुछ है यहां पे। ये देखिए जहां पे कैंचियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, ये दिल्ली की सबसे बड़ी होल सेल मार्केट है, जहां पे देखिए अलग अलग तरह की। निमाल भाई क्या लेना है? मास्क। कैसा लग रहा है मार्केट देख के? बहुत बेहतरीन लग रही है। तो जहाँ पे हमारे जमाल भाई लहंगे देख रहे हैं, ये देखिए अभी जहाँ पे प्राइस पूछ रही हैं सिस्टर, लास्ट वाला 3500 का, ये लास्ट वाला 3500 का।
ये देखिए कितना ज्यादा रश है मार्केट में, बहुत रश है। हम भाई साहब के पास पर्स लेने के लिए रुके थे, तो 100 रुपए का पर्स मिल रहा है, वो भी लेदर का, बहुत ही बढ़िया वाला। तो मैं एक पर्स लेने लगा हूँ, आप ले क्योंकि मेरा पर्स फट चुका है, तो देख लेते हैं। क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है मेरे को, लेदर है भी। देखिए भैया जला के दिखा रहे हैं, ठीक है भैया। तो अभी एक पर्स ले लेंगे हम यहाँ से। तो अभी दोस्तों हम सदर बाजार से निकल रहे हैं, तो मैं और चाचा बैठे हैं, जो मतलब कि रिक्शा बनाया हुआ है इन्होंने, साइकिल का रिक्शा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इस रिक्शे की। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, वो अभी फिर से जामिया मस्जिद जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं। देख रहे हैं कि भाई हमें लेके जा रहे हैं इस रिक्शे के ऊपर। अभी अभी गेट खुला है, तो रश देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा रश है, साथ में अजान भी हो रही है, अभी अभी खुला है जस्ट। तो दोस्तों ये रहा हमारे पीछे जामा मस्जिद, मेरे साथ जा रहे हैं गोमी भाई, अभी पूरी घूम के देखने लगे हैं। तो अभी हम जामिया मस्जिद के अंदर हैं, तो आप अंदर से देख सकते हैं कि अभी अभी जस्ट गेट खुले हैं, तो कितना ज़्यादा रश हो गया। तो दोनों गेट खुल चुके हैं, एक गेट जहाँ से है सामने से, और एक गेट यहाँ से है, तो जहाँ पे वुज़ू वगैरह करने की जगह है। तो मस्जिद का काम भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। अभी अंदर देखेंगे, जाएंगे तो आपको बताएंगे अंदर से किस तरह की है। बाहर से कुछ इस तरह से है जामिया मस्जिद, ये देखिए सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर काम भी लगा हुआ है मस्जिद का शायद। तो जहाँ से हम मीनार के ऊपर जाने के लिए टिकट कटवाने लगे हैं, दो अपनी और हिना की टिकटें लेनी है ऊपर जाने के लिए। अभी तो दोस्तों अभी हमने चाय स्टार्ट कर दी है, देखते हैं कि पहुंच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में भी काफी ज्यादा दर्द है। तो ऊपर का व्यू देखेंगे कुछ तरह से है, जहाँ पे कुछ ताले लगे हुए हैं पुराने टाइम के। तो अभी हम पहले स्थान पे, तो अभी दोस्तों हम इसके ऊपर जाएंगे, तो देखते हैं कि अभी टॉप तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, काफी दूर जाना है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों अभी हमें हमारे अंग्रेज दोस्त मिल गए थे, तो उनके साथ थोड़ा सा फोटो शूट कर रहे थे, अमेरिकन दोस्त थे हमारे, तो काफी अच्छे बंदे थे। नीचे मैंने कुछ एक बंदों को बोला था, वो माने ही नहीं कि फोटो खींचने के लिए, लेकिन ये मान गए, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया तो ये मान गए, काफी अच्छे बंदे थे। तो अभी मीनार की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम मीनार के ऊपर जा रहे हैं, तो देखते हैं चढ़ पाएंगे कि नहीं। इतनी सीढ़ियां चढ़ के आ चुके हैं, अभी दिल में धक धक हो रहा है, धक धक सही बात है। दोस्तों आप ये जो दिल्ली सिटी देख रहे हैं, ये मस्जिद की मीनार के ऊपर से देख रहे हैं, ये सामने स्टेडियम की लाइट है, ये देखिए स्टेडियम में भी जाने का ट्राई करेंगे कि स्टेडियम में जाऊं मैं। तो ये रही दिल्ली सिटी, ये देखिए रश कितना ज़्यादा है, ये देखिए ऊपर से मस्जिद के गुंबद सामने दिख रहे हैं, तो वो पास हमने लाल किला भी है, वहाँ पे थोड़ा रश पड़ा हुआ है, फिर वो दिखाते हैं आपको। नीचे का नज़ारा देखो, बंदे बूजू कर रहे हैं नीचे, ये देखिए। तो वो रहा सामने लाल किला, कोई नहीं भाई कोई नहीं, ये देखो ये रहा लाल किला, और ऊपर से कुछ ऐसे ही दिखते हैं नीचे बंदे, कीड़े मकोड़े की तरह, काफ़ी हाइट के ऊपर आए हैं हम। तो जो सामने इसके अपोजिट है मीनार बो रही है दूसरी मीनार, तो जहाँ पर चार मीनारें हैं। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी बस दो चार सीढ़ियाँ रह गई हैं, तो बस नीचे उतर रहे हैं जहाँ से, तो अभी काफ़ी बुरी तरह से थक चुके हैं। वो देखिए वो बिल्कुल लास्ट में, वो देखिए ऊपर आपको बंदे वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तो अभी बस जहाँ से नीचे उतरे। तो दोस्तों अभी मैं और गोमी भाई जा रहे हैं मीना बाज़ार के अंदर, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये रहा दोस्तों मीना बाज़ार, हाँ। तो दोस्तों अभी हम जामा मस्जिद से निकल चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी के पास, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे जाएंगे, तो कहाँ पे भी जाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी प्लान बता है कि चिड़ियाघर में जाएंगे,
देखते हैं वर्किंग, अभी अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं। तो अभी हम चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो 4 बजे बंद हो जाता है, तो हम 4:30 पहुँचे थे, इसलिए अभी हम वहाँ पर नहीं जा रहे। अभी हम एक दूसरी जगह देखने के लिए जा रहे हैं, तो अभी बताता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं खानगा एंड चिला हजरत ख्वाजा साहिब निजामुद्दीन ओलिया, खानगा चिला शरीफ, पढ़ लेना जो भी होगा। ये है अंदर से इस तरह से यारत तो बंद है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि आप ये कितना पुराना किला है। तो जहाँ पे हमें एक बाबा जी मिले हैं, तो अभी हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ के क्या सीन है। ये बाबा जी बता रहे हैं जी। बाबा खान का जो देख रहे ना, हाँ। जी जी, हजरत के जमाने में हुआ बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। अच्छा। और पेड़ के नीचे हजरत बैठ के रोटी पानी चिड़ियों को खिला दिया करते थे। जी जी। कब खाते थे किसी को पता नहीं, तो उनकी वाल लाएगी। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं जो सामने हुमायूं का वो है मकबरा है जहाँ पे, तो अभी जहाँ पे अंदर जा नहीं सकते, इधर से जो गेट बंद है, तो अभी हम दूसरे गेट से वहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है, तो घूम के जाना पड़ता है। अभी इतना जाएंगे नहीं, इनका भी यार थक चुके हैं। तो यहीं से आप देख लें वो सामने है। तो दोस्तों हमारी जे वाली जियारत भी हो चुकी है, तो अभी हम जहाँ से निकलने लगे हैं, तो दोस्तों अभी इधर से बस अजमेर के लिए निकल जाएंगे रात को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली आपको मेरी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे।